कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा है सार्वजनिक और समाज हित के लिए, और दोनों का सामंजस्य अब नहीं बन पा रहा है तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ छोड़ रहे हैं। गलती का किसी न किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना है तो अखिलेश यादव जी पर फोड़ रहे हैं। आपका सब्र नहीं टूटा, लोगों ने कहा अलग हो जाएंगे, चुनाव में भी दो ही सीट मिली थी, फिर MLC भी नहीं बनाया गया, वजह क्या है? आप अखिलेश यादव के साथ कंटिन्यू करते हुए चले आ रहे हैं। वैचारिक रूप से हम लोग एक लक्ष्य और एक विचारधारा पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा साथ अखिलेश यादव जी से लंबा चला है और आगे भी लंबा चलेगा। मेरी विचारधारा और मेरी सोच और मेरी समझ दोनों BJP के खिलाफ है। प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए हैं कि गठबंधन से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में अखिलेश यादव तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल पार्टी में हर दिन कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर ये सारे आरोप अखिलेश यादव पर मर रहे हैं, और कहना है उनका कि अखिलेश यादव की वजह से पार्टी टूट रही है। हमारे साथ अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में मौजूद संजय चौहान जी हैं। आपकी भी पार्टी है जन जनवादी पार्टी, और आपने ओम प्रकाश राजभर ने कृष्णा पटेल ने सब ने एक साथ गठबंधन किया था। आपका गठबंधन तो 19 से है, लेकिन अब जिस तरह के आरोप ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं अलग होने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, कोई विजन नहीं है, और अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति करनी है। पार्टी की बुनियाद सार्वजनिक हित और देश हित के लिए रखी जाती है, और जब पार्टी का उद्देश्य अपना हित और अपने परिवार के हित तक सीमित हो जाएगा तो कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह अपने को उपेक्षित महसूस करने लगता है। कार्यकर्ता जुड़ता है विचारधारा से, किसी व्यक्ति और परिवार से नहीं। पिछड़े अल्पसंख्यक दलित सब की बात करते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करते हैं, कहते हैं सबको हक मिलना चाहिए, आप उनको एक परिवार तक सीमित कर रहे हैं। मतलब उन्हें 17 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, कोई दूसरा राजभर नहीं मिला उनके बेटे के अलावा, उनके पार्टी से कोई उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा राजभर विधायक नहीं बनेगा। ओम प्रकाश राजभर अपने व्यक्तिगत हितों के लिए पूरी पार्टी को अपने हिसाब से चलाते हैं। कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा है सार्वजनिक और समाज हित के लिए, और दोनों का सामंजस्य अब नहीं बन पा रहा है तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ छोड़ रहे हैं, और चूंकि वो भाजपा की बुराई बतिया नहीं सकते तो अपनी गलती का किसी न किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना है तो अखिलेश यादव जी पर फोड़ रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से पार्टी टूट रही है? ओम प्रकाश राजभर की अपनी नीतियों और अपने संकीर्ण विचारधारा की वजह से और अपने परिवार के हित को साधने के चक्कर में उनकी पार्टी में टूट हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि अब वो जो टूट का सिलसिला है वो कहीं थमने नहीं जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के उनके सारे कार्यकर्ताओं का सब्र अब टूट चुका है। आपका सब्र नहीं टूटा, लोगों ने कहा अलग हो जाएंगे, चुनाव में भी दो ही सीट मिली थी, फिर MLC भी नहीं बनाया गया, वजह क्या है? आप अखिलेश यादव के साथ कंटिन्यू करते हुए चले आ रहे हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी और फांसीवादी नीतियों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और जनवादी विचारधारा, वैचारिक रूप से हम लोग एक लक्ष्य और एक विचारधारा पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा साथ अखिलेश यादव जी से लंबा चला है और आगे भी लंबा चलेगा, क्योंकि हम अपने हितों की राजनीति कम, समाज और देश बनाने की राजनीति और सामाजिक हितों की राजनीति करते हैं। इसलिए हमारा अपना कहीं सम्मान, हमारा अपना कहीं हित नहीं टकराता है, इसलिए हमारे संबंध मजबूती से लंबे दौर तक चलते हैं। बिहार भी जा रहे हैं आप, कार्यक्रम पे कर रहे हैं कि बिहार प्लान क्या है? बिहार में बड़ी राजनीतिक उठापटक है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इनका एक साथ आना, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार ने पूरे देश को एक दिशा दिया है कि दो घोर विरोधी पार्टियाँ एक साथ होकर के भाजपा के खिलाफ लड़ने की शुरुआत किया है, और यह शुरुआत अब पहले भी हुए हैं, पहले भी एक थे, बीच में टूटे, फिर एक हुए, और एक बड़ी सोच के साथ एक हुए। और नीतीश कुमार लंबे दौर तक बिहार में रह करके उन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपने ईमानदारी से देश को परिचित कराया है,
और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे देश में एक विपक्ष का मजबूत गठबंधन बनेगा और 2024 मानते हैं कि नीतीश कुमार को अगुवाई करनी चाहिए, आप निश्चित तौर पर आप उनको इस योग्य समझते हैं? नीतीश कुमार का अनुभव और नीतीश कुमार की ईमानदारी से काम करने की छवि राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व को उनके परिभाषित करती है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मैं समझता हूँ कि पूरा विपक्ष देश का खड़ा होगा। अगर ये दो विपक्षी पार्टियाँ वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी तो संजय चौहान के लिए क्या जगह बचेगी? फिर तो बिहार जाना आपका फ्लॉप। मेरे लिए मेरी विचारधारा और मेरी सोच और मेरी समझ दोनों बीजेपी के खिलाफ है, और इन दोनों पार्टियों के साथ मिलने से हमारी अपनी विचारधारा और पूर्ण और मजबूत हो रही है, और उस गठबंधन में हमारे समाज का इतना बड़ा वोट है, हमारा वहाँ उठना वोट बैंक है, और इतनी हमारी पार्टी मजबूत है कि हमारी ताकत को ये विपक्ष का महागठबंधन नहीं नजरअंदाज कर सकता। और हमें जो मतलब मिलना नहीं मिलेगा, मतलब ये जो दो पार्टियां इकट्ठा हुई हैं इसके बावजूद संजय चौहान वहाँ एक नई ताकत बन के खड़े हुए, इन महागठबंधन में भी हमारे लिए पूरी मजबूती से और हमारे लिए अच्छा स्पेस है, मेरे लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीआईपी एक पार्टी बनी और उसके बाद उसने पहले राजद आरजेडी से गठबंधन करना चाहा, फिर उनको मंच से गालियां दी, तेजस्वी यादव को बीजेपी के पाले में गए, फिर उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। वीआईपी का उदय और वीआईपी का पतन पिछले 5-6-7 सालों में लोगों ने देखा। वीआईपी के पतन से लोग कहते हैं कि संजय चौहान की जनजनवादी पार्टी जो है उसके लिए संभावनाएं बढ़ गई। आखिर उनके पतन से आपको क्या लाभ है? देखिए, बीच में थोड़ा मेरा बिहार में जाना कम हो गया, इस वजह से एक कारपोरेट लीडर पैसा लेकर के, पूंजी लेकर के बॉम्बे से आया और समाज को गुमराह करने में कुछ दिनों के लिए कामयाब हो गया, वरना ये लोग कभी पैदा ही नहीं हो पाते। और जनवादी पार्टी का जो स्थान और हमारा जो व्यक्तित्व और हमारा जो चरित्र है बिहार के समाज में लगातार बराबर प्रासंगिक रहा है, और अब बिहार में गया हूँ तो समाज पुनः मेरे साथ खड़ा हो रहा है, और कहीं भी मुकेश सहनी अब समाज में नहीं टिक पाएंगे। संगठन की क्या स्थिति है अभी, कितना संगठन का विस्तार? अब पूरे बिहार के लगभग 3800 जिलों में जनवादी पार्टी के संगठन का विस्तार हो चुका है, और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। मेरा कल जहानाबाद में कार्यक्रम है, 22 को नवादा में है, 24 को छपरा में है, 25 को सिवान में, एक हफ्ते का दौरा मेरा लगा हुआ है। लगातार हम बिहार में भी समय दे रहे हैं, और जनवादी पार्टी एक मजबूत जनाधार के साथ नहीं, कोई क्षेत्र आपने सेलेक्ट किया सीमांचल या मध्यांचल या मिथिला का जो क्षेत्र बट? जनवादी पार्टी का जनाधार पूरे बिहार में व्यापक रूप से है, और हमारा समाज का व्यापक वोट बिहार के लगभग सब पार्लियामेंट क्षेत्रों में है, कहीं कम और बेसी की स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे चंपारण है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, आपका मगध का और शाहबाद मंडल है, जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो आने वाला जो संभावित महागठबंधन में होगा, मैं सीटें भी इन्हीं मंडलों में लूँगा। तो आप महागठबंधन में जाएंगे? महागठबंधन में ही हम रहेंगे, क्योंकि वहीं हम अपनी विचारधारा के साथ बात हुई है। अब जब आपने इतना बता दिया तो बताइए फिर। बात हुई है, तेजस्वी जी से बात हुई है, बहुत जल्द हमारी नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात होगी और वो सारी चीज़ें हम तय कर लेंगे। सिवान में कुछ बड़ा करने वाले थे आप, अब महागठबंधन की वजह से डिले तो नहीं कर रहे हैं? डिले नहीं कर रहे हैं। सिवान में हमारी 25 तारीख को एक बड़ी रैली लगी थी इसी 25 को, लेकिन नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने की वजह से हमारी रैली का परमिशन रद्द हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि रैली की काफ़ी तैयारी हो चुकी थी, तो देहात क्षेत्र में 25 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में हमारा कार्यक्रम का एक बड़ा राजनीतिक परिवार आपके साथ जुड़ने वाला है सिवान। वो निश्चित तौर पर जिस दिन हमारी रैली होगी वो सब लोग हमारे मंच पर दिखेंगे। तो ये हमारे साथ संजय चौहान हैं, जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक साइलेंट राजनीति के लिए जाने जाते हैं। 2019 में जब इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था तो महेंद्र पांडे, जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें केवल 10,000 वोटों से जीत मिली थी। यूपी से लेकर बिहार तक संजय चौहान अपनी यात्राएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टी को विस्तार देने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन मानस के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।